नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव डिलाइट विद पल्लवी यानी मेरे साथ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कोलकाता का सबसे पुराना और वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट में, प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट एक गंगा के किनारे घाट है जो 1841 को बनके तैयार हुआ था। ये घाट और ये मॉन्यूमेंट फेमस एंग्लो इंडियन रिसर्चर और स्कॉलर जेम प्रिंसेप को डेडिकेटेड है। उस जमाने में ब्रिटिश रॉयल्टी के स्टाफ ये घाट के जेटी पे पैसेंजर और सामान का लोडिंग और अनलोडिंग करते थे। इसी मॉन्यूमेंट के पीछे आप विद्यासागर सेतु ब्रिज का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। विद्यासागर सेतु को सेकंड हुगली ब्रिज भी कहा जाता है। प्रिंसेप घाट एक फेमस हिस्टोरिक प्लेस है वॉक, फैमिली के साथ पिकनिक, सनसेट को एंजॉय करने के लिए, और ये यंग लवर्स के लिए भी काफी फेमस है ये जगह। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज का यहाँ पे शूट हुआ है। बॉलीवुड मूवी परिणीता का शूटिंग इसी घाट पे हुआ था। ये पार्क और घाट पूरा फ्री है, यहाँ कोई एंट्री फी नहीं लगता है। यहाँ पे आपको ऐसे छोटे हॉकर्स भी मिल सकते हैं जिनके पास आप चाय या कुछ खाने के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ प्रिंसेप घाट करके लोकल ट्रेन का स्टेशन भी है। अगर आप दमदम स्टेशन या माजरहा स्टेशन से आ रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ से सनसेट देखना भी बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर लोग शाम को ही सनसेट देखना आना पसंद करते हैं। ये जगह हावड़ा ब्रिज और हुगली ब्रिज के बीच में पड़ता है और रात के टाइम में ये बहुत सुंदर लगता है। ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ। यहाँ आप गंगा में बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। बोट राइड आपको 15 मिनट, आधा घंटा या एक घंटा के हिसाब से मिलेगा। एक घंटा का राइड के लिए आपको 500 पे करना होगा और आधा घंटा के लिए 300। यहाँ प्राइस फिक्स नहीं है, आप चाहे तो बार्गेन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी मिलेगा जहाँ पे आप कोलकाता का अमेजिंग स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको चाट, भेल, पाव भाजी, चौमिन, रोल, फुचका से लेकर आइसक्रीम और जूसेस भी मिलेगा। मैंने आधे घंटे के लिए यहाँ से बोट राइड लिया है और इसका विजुअल मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आप चाहे तो यहाँ का कोलकाता रिवर क्रूज भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलेनियम पार्क से रोज शाम 4 से 6 तक चलता है और सैटरडे संडे 2 बार चलता है, दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक। इसमें लाइव म्यूजिक और फूड भी अवेलेबल होता है। इसमें एक बार में टोटल 150 लोग आ सकते हैं और आप फुल क्रूज बुकिंग भी कर सकते हैं अपने पर्सनल इवेंट के लिए। फाइनली मेरा राइड खत्म होने वाला है और ये एक्सपीरियंस अमेजिंग था। अगर आप कोलकाता घूमने आए या कोलकाता में ही रहते हैं तो ये जगह आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ पहुँचना भी आसान है। आपको हर जगह से यहाँ के लिए बस या कैब मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।